हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि सीएससी आईडी अप्रूव होने के बाद सीएससी का केवाईसी 60 दिनों के अंदर हमें करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप 60 दिनों के अंदर सीएससी का केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका सीएससी बैन कर दिया जाएगा। तो सीएससी ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के माध्यम से हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि सीएससी का केवाईसी कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीएससी का केवाईसी कैसे करते हैं, और साथ ही हम देखेंगे सीएससी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैपिंग कैसे करेंगे, और इसके साथ हम देखेंगे कि सीएससी का आईडी कार्ड और सीएससी सर्टिफिकेट कैसे हम डाउनलोड करेंगे। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीएससी का केवाईसी कैसे करते हैं और सीएससी का सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं और देखेंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैपिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, ऐसे करने के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी ब्राउजर को ओपन करना है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सी एस सी ई जी ओ वी आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सी एस सी ई जी ओ वी का ऑफिशियल सा, सिंपल से आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है होम बटन, अप्लाई बटन, माई अकाउंट, टूल्स, मिसिंग डाटा और FAQs। तो सिंपल से आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका सी एस सी आई डी नंबर, जो आपका सी एस सी आई डी अप्रूव होने के बाद मिला है। सिंपल से आपको यहाँ पे अपना सी एस सी आई डी नंबर फिल कर देना है। सी एस सी आई डी नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट। सिंपल से आपको फिंगरप्रिंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको यह कैप्चा इसमें फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको देखने को मिल जाता है टर्म एंड कंडीशन, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स। सिंपल से आपको यहाँ पे चेक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सबमिट बटन। सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, यानी कि आपका सी एस सी में जो आधार कार्ड लिंक है, सिंपल से आपको यहाँ पे उस आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिक्लेरेशन बटन। सिंपल से आपको यहाँ पे डिक्लेयर पर क्लिक करना है। नीचे आपको देखने को मिल जाता है प्लीज स्कैन योर बायोमेट्रिक डिवाइस। तो यहाँ पे आप मर्फो या मंत्रा का डिवाइस यूज करते हैं, तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपना मर्फो और मंत्रा का डिवाइस का आरडी सर्विस इंस्टॉल करने है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि मर्फो का आरडी सर्विस कैसे सीएससी के लिए सेटअप करते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सिंपल से आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि मर्फो का आरडी सर्विस कैसे सेटअप करते हैं सीएससी के लिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैप्चर। तो सिंपल से आपको यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना है। स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करने के बाद आपके मर्फो डिवाइस पे कुछ इस तरह से आपका मर्फो डिवाइस लाइटिंग होने लगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट डालना है। फिंगरप्रिंट डालने के बाद यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ समय वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपका सीएससी का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डैशबोर्ड, प्रोफाइल और केवाईसी अपडेट, अकाउंट सेटिंग, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका स्टेटस एक्टिव है, और यहाँ पे आपको अकाउंट सेटिंग और लोगोस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंट्रो देखने को मिल जाता है। इंट्रो में यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं 60 दिनों के अंदर तो आपका सीएससी आईडी बैन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं केवाईसी कैसे अपडेट करते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पे केवाईसी अपडेट पे क्लिक करना है। केवाईसी अपडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है केवाईसी अपडेट, और नीचे आपको देखने को मिल जाता है कम्युनिकेशन डिटेल्स। सिंपल से आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए और ईमेल आईडी फिल कीजिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल से आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे सेंड ओटीपी करना है, और उसके बाद सेंड ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको फिल कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अपडेट बटन। सिंपल से आपको यहाँ पे अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद अप्रूव होने में कुछ समय लेगा, तो आपको यहाँ पे एक दो घंटे या एक दिन का वेट करना है। और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स अप्रूव सीएससी के द्वारा कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स आपका अपडेट कर दिया जाएगा। नीचे आपको देखने को मिल जाता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपल से आपको यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे
केवाईसी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, आधार कार्ड, और यहाँ तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको टाइप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 KB और 80 KB के बीच में होना चाहिए आधार कार्ड, और JPG PNG फाइल में होना चाहिए। यहाँ पे आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट बटन, सिंपल से यहाँ पे अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, आपको 12 घंटा या 24 घंटे के अंदर में आपका आधार कार्ड भी अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको KYC अपडेट पे आना है, और KYC अपडेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पर्सनल डिटेल्स में नेम, जेंडर, DOB आपको अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स देखने को मिल जाता है, बैंक डिटेल्स और पैन डिटेल्स। तो सिंपल से आपको बैंक डिटेल्स और पैन डिटेल्स पे क्लिक करना है, और बैंक डिटेल्स और पैन डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका नेम, यहाँ पे कियोस्क नेम देखने को मिल जाता है, अकाउंट होल्डर नेम यानी कि अपना नेम यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद IFSC कोड देखने को मिल जाता है, अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कैंसिल चेकबुक अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, सी अकाउंट है या करेंट अकाउंट। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैंसिल चेकबुक अपलोड करना पड़ता है। आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि आपका कैंसिल चेकबुक का साइज 100 KB से नीचे होना चाहिए, और JPG PNG फाइल में होना चाहिए। सिंपल से आपको यहाँ पे कैंसिल चेकबुक अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है पैन डिटेल्स। तो पैन डिटेल्स में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका पैन टाइप, यानी कि आपका पैन इंडिविजुअल है या कंपनी है। सिंपल से आपको यहाँ पे इंडिविजुअल या कंपनी, तो खास करके सारे लोगों का तो इंडिविजुअल होता है, सिंपल से आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई देखने को मिल जाएगा, सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका पैन डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट बटन, सिंपल से यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपडेट होने के बाद आपका पैन डिटेल्स और बैंक डिटेल्स वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद आपका KYC CSE का KYC आपका यहाँ पे अपडेट हो चुका है, CSE का KYC सारा अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CSE यूज करना है, तो कुछ इस तरह से आप CSE का KYC कर सकते हैं। बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लॉटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे आपको अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट करना पड़ता है। सिंपल से यहाँ पे आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पॉइंटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप पॉइंटर पे अपना मैप पॉइंट कीजिए, और यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा, सिंपल से आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। या आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका CSE मैपिंग के लिए, तो यहाँ पे आप अपना CSE मैपिंग के लिए अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपडेट कर दीजिए। उसके बाद अपडेट करने के बाद आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी अपडेट करने में कुछ समय लगेगा, यहाँ पे आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पे आप अपना CSE का फुल KYC और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम अपना CSE सर्टिफिकेट और ID कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सर्टिफिकेट, सिंपल से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ समय वेट कर लेना है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का CSE का सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका नेम देखने को मिल जाता है, नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका एड्रेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका सेंटर नेम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे CSE का QR कोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका CSE ID देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इसको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करने का कंट्रोल पी करना है, और यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। और बात कर लेते हैं CSE ID कार्ड का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ID कार्ड का ऑप्शन। सिंपल से आपको यहाँ पे ID कार्ड पे क्लिक करके अपना CSE ID कार्ड डाउनलोड कर लेना, तो आप अपने CSE का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और KYC यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम देखे हैं कि CSE का KYC अपडेट कैसे करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट कैसे करते हैं, और सर्टिफिकेट ID कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि CSE में कौन कौन से सर्विस दिया जाते हैं और कौन कौन से सर्विस हम कैसे यूज करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम यही जानेंगे कि CSE का सारा सर्विस कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा CSE ट्रेनिंग लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको CSE का फुल ट्रेनिंग दिया जाएगा कि CSE में कौन सा सर्विस दिया जाता है और कौन सा सर्विस कैसे यूज करते हैं। तो मिलते हैं ट्रेनिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।